आपके साथ में संस्कृतिजन दिखाते हैं आपको झालावाड़ जिले की खबरें। शुरुआत करते हैं विस्तार से। भवानी मंडी नगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान के तहत रंगोली बनाकर आम जनता को जागरूक किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अनिता ने बताया कि जागरूकता अभियान के तहत टगर चौराहा, बालाजी चौराहा, उपखंड कार्यालय, चिकित्सालय व पंचायत समिति आदि स्थानों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी व वार्डवासियों द्वारा रंगोली बनाकर सभी ने शपथ लेते हुए आम जनता को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आदि मौजूद रहे। इसी तरह मोयाखेड़ा की कार्यकर्ता सावित्री व्यास व झीकड़ी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता प्रियंका पाटीदार ने बताया कि कोरोना की जागरूकता को लेकर गाँव में भी रंगोली बनाई गई है के तहत, तो उसमें रंगोली बना करके और लोगों को जागरूक करना है, जिसमें सभी वार्ड, पांच वार्ड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 और 16 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सहयोगिनी सभी ने मिलकर के इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान किया है। भवानी मंडी पुलिस परिसर में नगर की समस्याओं को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित की गई, जो थानाधिकारी महावीर यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। पुलिस के द्वारा 4 बजे इंडस्ट्रीज एरिया व्यापारियों की बैठक ली, 5 बजे क्षेत्र के सभी पंप संचालकों की मीटिंग ली व इसके बाद सभी सीएलजी के सदस्यों की मीटिंग रखी गई। मीटिंग में पुलिस के द्वारा नगर में रात को गश्त के लिए सीपीओ लगाए जाएंगे, जिन्हों की सैलरी व्यापारियों के द्वारा दी जाएगी, जिस पर सभी व्यापारी राजी हो गए। साथ ही पुलिस ने कहा कि जो ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है, इसको सुधारा जाएगा। नगर में वापस जन सहयोग से कैमरे लगाने पर भी चर्चा हुई, जिस पर व्यापार महासंघ के द्वारा पूर्व में भी 18 लाख के कैमरे लगाए गए थे, जिन्हों में से एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। बैठक के दौरान प्रदीप शर्मा, नरेश माधवानी, राजेश नाहर, पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीता पांडे, कमल सुरेखा, कैलाश भराड़िया, विनय आस्तोलिया आदि मौजूद थे। आवर कस्बे में रविवार को हुई कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी बसेर मोरूखेड़ी, बरकत भी लाड़खेड़ा के द्वारा रंगोली बनाकर नागरिकों को बार बार हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से पूर्व मास्क जरूर लगा के जाने की जानकारी दी गई आदि के बारे में रंगोली के माध्यम से जानकारी दी गई। आवर पगारिया पुलिस ने रविवार को कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने पर 4800 रुपए का जुर्माना लगाया। थाना अधिकारी फजलुर रहमान ने बताया कि 19 लोगों ने मास्क का प्रयोग नहीं करने एवं 10 लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला गया। रायपुर कस्बे के समीपवर्ती मध्य प्रदेश के डोंगर गांव के राजपूत मोहल्ले में एक बाड़े में एक नाग नागिन का जोड़ा मस्ती में अटखेलियां करता हुआ दिखाई दिया। नाग नागिन की अटखेलियां देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। यह घटनाक्रम करीब 2 घंटे तक चला। लोगों की भीड़ जमा होने के बाद भी बिना डरे हुए नाग नागिन अपनी अटखेलियों में मग्न दिखाई दिए। बारिश के मौसम में अक्सर इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए 21 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, जैसे कि बार बार हाथ धोएं, बिना मास्क बाहर ना जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, इसमें एक दूसरे को बचाव ही इसका इलाज है। अभी तक कोई इलाज तो आया नहीं है। सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों को अपन को एक कार्यान्वित करना है, कोरोना को हराना है। यदि हम सरकार की नीतियों को सही ढंग से पालन करेंगे तो कोरोना हार जाएगा और देश जीत जाएगा। अपन को क्या है कि सैनिटाइज़र का मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, बार बार हाथ धोना, ये सब सावधानियाँ बरतेंगे और संक्रमण से बचाव के लिए एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और इसी तरह से इसको, इससे बचाव हो सकता है। बाकी ये कोरोना का संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है, तो इसको रोक के और अपन को देश को बचाना है और खुद को बचना है, परिवार को बचाना है और
सबको बचाना है संक्रमण से। इस संक्रमण के काल में एक दूसरे से दूरियां बनाए रखें और इसका ये ही है, बचाव ही इसका इलाज है और अपन को सावधानी सबको रखनी है।